दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर्स टीम पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन आनी है सिविल सर्विसेज एग्जाम की। तो दोस्तों ये जो है जल्द ही जारी होने वाली है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके जो नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कितने पद पर भर्तियाँ हो सकती हैं और किन किन पदों पर भर्तियाँ हो सकती हैं। तो चलिए एक हिंदुस्तान के न्यूज़ के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये देखिए जो न्यूज़ इस तरह है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 358 पदों के लिए परीक्षा होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ लिखा है 358 पदों की जो होने की संभावना है, ऑफिशियल अभी नहीं आए हैं तो संभावना ही है। ग्रामीण विकास विभाग के 133 पद अभी प्रक्रियाधीन है, मतलब आयोग के पास अभी तक आधिकारिक तौर पर 225 पद प्राप्त हो चुके हैं, पर आयोग को उम्मीद है कि विज्ञापन निकाले जाने तक ग्रामीण विकास विभाग अपने 133 पदों को भेज देगी। कुल मिलाकर 358 पदों के लिए परीक्षा होगी। इस बार अब तक 12 विभागों की ओर से रिक्तियां आई है। दोस्तों 12 विभाग की ओर से जो है आयोग को रिक्तियां मिल चुकी है और एक ये जो है ये इसके तरफ से भी मिल जाएगी ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से। तो इस तरह ये जो है कुल 398 पद हो जाएंगे। और आगे देखिए आगे जो लिखा है इसमें सबसे अधिक पद नगर विकास विभाग के 110 हैं। इस बार प्रशासनिक सेवा में एक भी पद नहीं आया है दोस्तों, यानी प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक भी पद इस बार जो है बीपीएससी में नहीं है। यानी जो हाइएस्ट रैंक के होंगे उनको भी एक रैंक लाएंगे तो भी एसडीएम का पद खाली नहीं है उनके लिए। तो इस बार ये आप एक देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं कि योजना विकास विभाग में 52 पद है, इसके अलावा 12 विभाग में कम ही पद है। एक सप्ताह तक अगर आयोग के पास पद नहीं आता है तो इसी माह विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। हाल हुई वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो इस बार सबसे कम पद आए हैं दोस्तों, यानी अभी 358 भी कन्फर्म नहीं है। अभी तक आप ये मान के चलिए कि 225 पद तो बस कंफर्म है कि 225 पद पर तो वैकेंसी आनी ही है। और एक चीज़ देख सकते हैं इसमें, ये थोड़ा इस बार आपको एक तरह से ये कहिए कि ये बैड न्यूज़ है कि इस बार एसडीएम वगैरह पद के लिए जो है एसडीएम और बड़े पद के लिए प्रशासनिक पद के लिए तो कोई पद खाली है ही नहीं, सारे जो है मैनेजमेंट टाइप के पद हैं। तो आगे देखिए दोस्तों किस विभाग से हैं। तो देखिए समाज कल्याण विभाग में बाल संरक्षण का जो है पद, सहायक निदेशक का इसके 4 पद, इसमें सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक के 12 पद, योजना विभाग शिक्षा सेवा में 12 पद और नियोजन अधिकारी के 2, योजना अधिकारी के 52, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133 जो कि अभी प्रक्रियाधीन है, ये भी कंफर्म नहीं है दोस्तों अभी। और देख सकते हैं नगर विकास विभाग में 110, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के 5, निर्वाचन पदाधिकारी के 4, प्रखंड अधिकारी के ये एक देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग के जो है प्रखंड अधिकारी का 18 पद पर भर्तियाँ हैं। और आगे देखिए श्रम संसाधन अधीक्षक और आपूर्ति निरीक्षक के 4 पद पर, इस तरह ये इतना है। तो दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं है, एक सप्ताह तक यानी आप ये मान के चलिए कि जल्द ही इसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। 10 तारीख से पहले आपको जो है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस पद पर इस बार कितने पदों के लिए भर्तियाँ आई हैं, किस विभाग से आई है। तो दोस्तों ये थी बीपीएससी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़। तो आगे भी किसी तरह का अपडेट आता है तो वो भी हम आपको अपने चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।